या हूं। देखिए आप तो हमारे सात सौ मिर्गिन में एक ही मिर्गा था, आप उनको भी जान मार दिए, अब मैं किसके सहारे में जीऊंगी इस जंगल में। इसीलिए मैं आपको मैं श्राप देती हूँ, जाइए आप भी बन बन भटकते रह जाइएगा। ये तुमने क्या किया? ये मुझे शराब, सुनो मिर्गिन, ये शराब की है, ये शराब काटने का उपाय भी तुम्हें बताओगी? हाँ उपाय है। कैसे जाब आई नहीं है मेरे जीना है मिर्गिन। ये मेरा शराब कैसे मुक्त होगा? मैं कहां कहां जाऊं, क्या करूं, मेरा शराब कैसे मुक्त होगा, इसका उपाय बताओ मिर्गिन। सुनिए आपको यहां से गुरु गोरखनाथ किया जाना होगा, और वहां जाने के बाद वे सारे हाल बताएंगे और सारी बात अभी बताइएगा। तो मैं सासा मिर्गिन में एक मिर्गा था, उससे मैं जान मार दिया है, वे सारे उपाय वही बताएंगे। क्या मेरा शराब दूर हो जाएगा वहां जाने से? शराब दूर हो जाएगा। ठीक है मिर्गिन, मैं यहाँ से गोरखपुर के लिए जत्रा चलता हूँ। ठीक है जाइए। पूरा सा हरिया हो चल भाई, मिली ले भाई हो गुरु हो गोरखिया की। अब मैं यहां से बाबा गुरु गोरखनाथ के पास चलता हूं, और माँ जो कही थी वो मैं कैसे समझूंगा? आहो कैसे मैया
से रहा नहीं हो जू न हो पूरा सा पूरा ना करिया हो सकले और पूरा ना करिया हो सकले मिली ले वही है गुरु है तेरे गया वाला ना हो की ये भगवान अब कितना दूर है बाबा गुरु गोरखनाथ की धाम। जब तक मैं वहां ना जाऊं तब तक मेरा ये कलेश दूर नहीं हो सकता है। कोई है? अरे रास्ते में कोई हो बता बताने वाले? आह कहाँ मामे अरे हलो हो बाबा हो आह तो बंदे सही अन्नगरिया में बाबा हो बाबा। तुम आ चुका है मंदिर का पास, तुमसे दो चार बात मैं पूछना मैं चाहता हूँ बचपा। क्यों नहीं बाबा?
बाबा सही सा आही भेदा रे बचवा तो मैं पढ़ चुका है, बताओ बाबा को जब सुनना चाहते हैं बाबा बाबा गौर से सुनिएगा बाबा बाबा
बाबा सासा मिर्गिन में एक काला मिर्गा था। हाँ बाबा, तुम शिकार खेलने के लिए गए जंगल के पास और अपना सासू उठा के काला मिर्गा का तूने जान मार दिया। हाँ बाबा, 700 मिर्गिन रोता है बच्चा। हाँ बाबा, तुम मिर्गा समाज के और काला मिर्गा का तूने मार दिया। हाँ बाबा, क्या मैं बताऊ बचवा छोटी बाबा, तो किया गल कलम तो है 700 मिर्गा। चलो बताइए बाबा, मुझे कष्ट कैसे दूर होगा। अरे या पाला ता। हाँ बाबा, आप जो कह रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हो जाऊं। जूनापुर में मेरी माँ कैसे रहेगी बाबा। बचवा। हाँ बाबा, 700 मिर्गिन में काला मिर्गा था, तूने अपना तीर से काला मिर्गा को मार दिया। तुम्हें माँ मैनापती 9 महीना मोटरी बांध के घूमा, 12 हाथ का सारी सोयरी घर में सरा लिया। बचवा। हाँ बाबा, तुम पापी हो, अभी से आज से तू अपना माँ का दूध के कर्ज नहीं सधा सकते हो। आह पी रही अपली
बाबा आपके कहने अनुसार मैं अगर जोगी बन जाता हूँ बच्चा तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा बाबा। बच्चा तो बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला बन जाओ बाबा और ये भूषण उतारो और जोग धारण कर लो, एक घूना ले लो आ तुम दूरे दूरे जाके नगरे नगरे जाके पांच मुट्ठी पीछा डाल लो बाबा। तो मैं पाप कट सकता है बच्चा इसे नहीं। दूरे दूरे मैं जाऊंगा लेकिन कहाँ कहाँ जाऊंगा बाबा ये तो बता दीजिए बाबा। इतना डबल बस्ती है, पहले चलो बाबा गुरु गोरखनाथ का मंदिर का पास चलो, तुम्हें रूप धारण करना पड़ेगा। आ मानी जावा यही ललिए हो बाबा, तोहरे बात चलिया हो बाबा, तोहरे बात चलिया हो बाबा। बाबा चलिए यहाँ से और मुझे जल्द से जल्द जोगी बनाइए। चलो मैं जल्द से जल्द शराब मुक्त हूँ। चलो चलो बच्चा मेरे साथ चलो। ठीक है बाबा चलिए। अरे मोराया चढ़िया पर बकरी बोले और कौन अंगरी गले मैं मिया रहा है। मोराया चढ़िया पर बकरी बोले और कौन अंगरी गले मैं मिया रहा है। नाम कमाई तेरे से खराब रहेगी है ना। बोलो बोलो। अरे सुमन जी इस जगह से अब आकर जस्ट देखिए
ये हमारे कलाकार जो भी छुट्टी पुट्टी में जो सेवा करेंगे उसके लिए आप लोग माफ कीजिएगा। और अगर जस्ट रंग दिले तो इस जबा ने तो क्या हो गया बाबा की कुटिया से अगर मैं 5 मुट्ठी भिक्षा 70 से मांग के बाबा के पास मैं जमा कर दूं तो मेरा यह श्राप अवश्य मुक्त हो सकता है। अब प्रथम यहां से चलता हूं झूनापुर शहर। पहले मैं अपने मां के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा लूंगा, उसके बाद आगे की ओर चलूंगा। आ चालक के चालकदार मन मारे आर झुरना पूरा यही असहरिया रे माना इस दरबार में ए कोई है? कोई नजर नहीं आता है। नजर क्या आता है? मैं ये क्या देख रहा हूं? ये क्या झूनापुर शहर है? ये तो झूनापुर ही है। ये मकान किरका है।
ये मकान रानी जो हमारे जो बाबू गोपीचंद है उन्हीं का ये मकान हुआ। क्या ये मैनावती और तिलक चंद राजा के मकान है? क्या इस घर में कौन कौन है? इस महल में तो मैं हूँ और महारानी साहब है। आ हो जाला दे